सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ओशियन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल ओशियन। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राशन कार्ड ई कूपन आप कैसे अप्लाई करते हैं, उस वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि हमें अप्रैल का तो हमने राशन ले लिया है तो मई का हम कैसे लेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले तो हम सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोर में जाएंगे। यहाँ पे हम एड्रेस बार में वेबसाइट का लिंक करेंगे dehi.gov.in, करने के एंटर करने के बाद वो कर देंगे। जैसे एप्लीकेशन हमने पहले प्रोसेस की थी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे एक लिंक आ रहा है अप्लाई फॉर टेम्परेरी राशन, ये आप देख रहे हैं, इस पे हमें क्लिक करना है। टू बी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही नंबर डालेंगे जो आपने पिछले बार रजिस्टर किया था ई कूपन के लिए, सबमिट करेंगे। आपके उसी रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को अब यहाँ पे फिल करना है। ये ओटीपी आ चुका है मेरे पास, मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ। ये डालने के बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। ये ऊपर की साइड यहाँ पे डाउनलोड ई कूपन का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद नीचे की ओपन आएंगे, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेंगे चेकबॉक्स पे, राइट क्लिक के डाउनलोड ई कूपन कर लेंगे। जैसे कि ये कूपन है इसमें कलेक्शन डेट है 15/4/2020 और इशू डेट है 15/4/2020, यानी कि 15 अप्रैल को इसका राशन इशू हो चुका है। आप ये इन्होंने यहाँ पे 15/4 को ये कलेक्ट कर लिया है और अगले यानी कि 15/4 से लेके अगले एक महीने बाद यानी कि 30 दिन बाद ये कूपन दोबारा से जनरेट होगा। यानी कि मीन्स ये है आपको कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अप्लाई करना नहीं है दोबारा, आप इसको दोबारा से 15 तारीख के बाद यानी कि अप्रैल मई यानी 15 मई के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कलेक्शन डेट। जहाँ इस पर आपकी कलेक्शन डेट 15 है तो आप इसे 15 मई के बाद आप इसे दोबारा डाउनलोड करेंगे तो इस पर ये डेट चेंज मिलेगी, उसको प्रिंट आउट निकाल के आप इसको ले जाएंगे, वहाँ से आपको राशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि आज तारीख है, आज तारीख है 13, ये आप देख सकते हैं 13 तारीख है आज। हम इसे दो दिन के बाद देखेंगे डाउनलोड करके, यानी कि 15-16 तारीख को देखेंगे हम ये चेंज होता है कि नहीं होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। चलिए हम थोड़ा वेट करते हैं दो दिन का, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। 13 तारीख को बताया था कि कूपन अभी जनरेट नहीं हुआ है, मैं बोला था कि 2-4 दिन बाद देखेंगे, एक्चुअली मैं देख नहीं पाया। तो अब हम देखते हैं चल के क्या स्टेटस है उसका। आज तारीख है, डेट देख लेते हैं हम, आज कितनी तारीख है आप कैलेंडर में देख सकते हैं, आज 19 तारीख है, 19 मई। चलिए हम दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे जाके देखते हैं हमारा क्या स्टेटस है। इसी लिंक पर हम क्लिक करेंगे जैसे पहले किया था हमने। इसके बाद न्यू टैब ओपन हो जाएगी, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है इसमें। देखिए अब इसमें ये नई चीज़ आ रही है अवेटिंग किट अप्रूवल, यानी कि जो हमें अप्रैल में जो हमें राशन मिला था उसमें हमें सिर्फ गेहूं मिले थे, चावल मिले थे, अब लेकिन इसमें हमें एक किट भी साथ में मिलेगी जो कि परमानेंट जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनको मिली है। ये अब
जो कूपन वाले हैं इनको भी अब मिलेगी। मीन्स अब ये किट जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि तेल हो गया, तुम्हारी दालें हो गई, नमक हो गया, हल्दी, मिर्च वगैरह, ये सब इसमें मिलेगा। ये अवेटिंग किट अप्रूवल आ रहा है, यानी कि मीन्स ये अभी अप्रूवल में है, अवेटिंग में है अप्रूवल के। और इसके बाद होके फिर हमारा नया कूपन जनरेट होगा। नया कूपन जनरेट होने के बाद हम इसे डाउनलोड करके अपने मई का महीने का राशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।